दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपना जो स्मार्ट लैब सॉफ्टवेयर है नैन टेक्नोलॉजी का, तो इसके बारे में मैं आज आपको ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास डेली कॉल आ रहे थे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हमारा स्मार्ट लैब चलता है, तो डेली कॉल आ रहे थे कि सर ये बताइए इसमें कैसे हम एडिट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट एडिट कर सकते हैं, कैसे ग्रुप नया बना सकते हैं, अपने हिसाब से हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं पूरे सॉफ्टवेयर को। तो दोस्तों आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ अपडेट भी हमने इसमें दिए हुए हैं, तो बहुत से डॉक्टरों की जो कंप्लेंट थी कि सर आपके सॉफ्टवेयर में रेड कलर से आना चाहिए, वो क्यों कलर प्रिंट रखते हैं, तो रिपोर्ट में रेड येलो इस तरह से दिखाना चाहिए, लो है हाई है वो दिखाना चाहिए। हम लोगों ने समझा इसको, हमारी टीम ने समझा, तो मेरे को लगा कि इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, बता देना चाहेंगे हम। सबसे पहले तो जब टेस्ट बनाते हैं अपन लोग, तो पहले क्या था कि पहले जो सॉफ्टवेयर था उसमें डॉक्टर ये चाहते थे कि अपना जो जेंट्स है वो लेडीज है उसकी अलग अलग, क्योंकि लोअर रेंज अपर रेंज अलग अलग होती है, तो इसमें फिर हमने ये ऑप्शन बढ़ा दिया आपके लिए कि फीमेल का अलग कर दिया और मेल का अलग कर दिया है। तो इसमें आप अब अलग अलग डाल पाएंगे, फीमेल का अलग आप लोअर रेंज अपर रेंज डाल सकते हैं, तो इसमें ये फीचर्स आपका नया ऐड कर दिया है हमने। इसके साथ इसमें हमने जो ऐड किया है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने ऐड की कि इसमें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। न्यू ऐड एडिट, न्यू ऐड टेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको पेशेंट एंट्री करके आपको दिखाएंगे किस तरह से आपका लोअर रेंज अपर रेंज किस तरह से शो करता है। तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, जैसे टेस्ट है हमारा, आप देखिए मैंने ये टेस्ट बनाया है और ये पेंडिंग में आपको दिखा रहा है, ये मैंने एक लेडीज़ का बनाया, एक ये जेंट्स का बनाया। तो देखो इसमें दोनों में रिपोर्ट सेम ली गई है, जैसे आपने जो टेस्ट को रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें देखो नॉर्मल रेंज आपकी 14 से 15 आ रही है, 12 से 14 आ रही है, और इसी को आप अगर जेंट्स की देखेंगे तो इसमें 12 से 16 आ रही है। तो ये कैसे संभव हुआ? अब इसमें हमने एक फीचर्स दिया, जब पेशेंट की एंट्री करते हैं तो अगर यहाँ पे हमने डेट डाला, यहाँ पे लैब नंबर आ गया, अगर मिस्टर देते हैं या मिस्टर लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मेल में चला जाता है। जैसे मिस्टर मोहन मोहन आपने सिलेक्शन किया और इनकी एज डाल दी 20, तो ऑटोमेटिकली ये मेल में, यहाँ पे हमें सिलेक्शन करने की अब ज़रूरत नहीं है। आपने इंटर किया, यहाँ से हमने पूरा उसका बायोडाटा भर के इसको ऐड कर दिया। सपोज करो हमने हीमेटोलॉजी रूटीन में एक टेस्ट लेना है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से हमने सेव कर दिया मोहन का, ये आपका सेव हो गया, और सेव होने के बाद ये आपका ओके हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट, फिर उसी टाइम पे दूसरा हमारे पास आ गई एक लेडीज आ गई, तो अब हमें क्या है मिस्टर मिसेस नहीं करना है, यहाँ पे हमको केवल मिसेस करना है। मिसेस किया ऑटोमेटिक देखना आप यहाँ पे मेल की जगह क्या हो जाएगा फीमेल, यानी आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फीचर्स हमने इसमें एक नया ऐड किया है। यहाँ जैसे रीता लिख देते हैं, आपका रीता टेस्ट कराने आई, इनकी एज है 25 ईयर्स, ठीक है। इन्होंने किस डॉक्टर के थ्रू वो सारा आप रेफरेंस डाल के जो हमारा पिछला सॉफ्टवेयर था उसी के हिसाब से हमने इसको बनाया हुआ है। अब रीता ने क्या किया, रीता ने यहाँ पे रूटीन एग्जामिनेशन, रीता ने भी हीमोग्लोबिन कराया और इसको अपने सेव कर दिया, तो ये आपका इसका सेव हो गया, रीता का भी हमारा ऐड हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे इसका रीता हो गया, हमारा ये हो गया। अब दोनों टेस्टों को हम रिपोर्ट में, टेस्ट रिपोर्ट में देखेंगे तो मोहन भी आ गया, रीता भी आ गया। अब कुछ नहीं करना है अपन को, मोहन पे डबल क्लिक करना है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 12 से 16 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ रेंज डाल दी 10, जैसे 10 डाली तो अपने आप इसने रेड दे दिया। अगर मैंने यहाँ पे 18 डाली तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ऑटोमेटिक रेड दे दिया, यानी अपर और लोअर। मैं आपको एक अपर करके दिखाऊंगा, एक लोअर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने 10 डालते हैं और यहाँ से हमने इसको रिजल्ट डाल के एंटर किया और सेव कर दिया। यहाँ से आपने जैसे सेव किया इसको तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट के लिए पूछ लेगा, डू यू वांट टू, आप प्रिंट करना चाहते हैं आप इसको, तो आपने प्रिंट करना है इसको। और जैसे प्रिंट पर क्लिक किया आपने, फोटो प्रिंट पर गए आप, तो यहाँ देखो आपको ये रिजल्ट दिखा रहा है, यानी हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट हुआ उसमें इसने डाउन एरो की सिंबल भी दिखा दिया और लिख भी दिया लो,
और कलर में भी कलरफुल कर दिया और रेड है आ गया, ठीक है ना। इसी टेस्ट को अगर मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊं, यही टेस्ट मैं आपको, जैसे अभी ये टेस्ट था, इसको मैं मोहन को आपको क्या करता हूँ, इसको मैं 18 कर देता हूँ। 18 करके फिर मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद उसने क्या किया इस टेस्ट को, ये आपका आप देख पा रहे हैं, इस टेस्ट को उसने ऑटोमेटिकली जब सेव हो जाएगा ये, और आपका तो वो प्रिंट के लिए चला जाता है। जब प्रिंट के लिए जाएगा तो उसमें आपको ये दिखाएगा कि ये जो अपर रेंज है, अपर लोअर रेंज है, वो क्या करता है सॉफ्टवेयर अपना। ये देखो प्रिंट पे हमने क्लिक किया, और यहाँ से आपका प्रिंट पे क्लिक किया, और यहाँ से अब देखेंगे तो पहले लोअर दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है अपर। ये देखो सिंबल दिखा दिया अपर, यानी ये हाई है, यानी ये डॉक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा हमने ऑप्शन अपनाया है। ये आपको इस टाइप का ऑप्शन किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, लेबोरेटरी के सॉफ्टवेयर में, तो ये हमने इस अपने स्मार्ट लैब में दिया है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हमारा, जैसे हमने वो लेडीज़ का, जैसे हमने पेंडिंग रिपोर्ट पे देखेंगे तो रीता का हमने लिया था, तो रीता की ऑटोमेटिक बार टू, यानी कम जो रेंज हमने डाली थी वो कम रेंज आ गई। तो इस तरह से दोस्तों स्मार्ट लैब सॉफ्टवेयर में हमने बहुत ही अभी एडवांस फीचर्स डाले हुए हैं। आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, इसकी लिस्ट बना सकते हैं, इसका नई न्यू टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है। जैसे नॉर्मल रेंज हमारे मेल के लिए है और फीमेल के लिए हमारी कम होती है, तो क्या करते हैं हम इसको कम रेंज लिख के, यहाँ से हमने 12 लिख दिया और यहाँ हमने 16 लिख दिया, क्योंकि लेडीज़ की थोड़ी सी रेंज कम रहती है। यहाँ पर हमने ये ऑटोमेटिकली मेल फीमेल का सिस्टम दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इसमें लिख भी सकते हो। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि ये अपना वहाँ से उठा लेता है डाटा को, और ये आपका टेस्ट कोड आप यहाँ अलग से लिख सकते हो, अगर कोई टेस्ट कोड है आपका पर्टिकुलर कोड। तो ये फीचर्स भी हमने अलग से इसमें बनाया हुआ है कि टेस्ट का कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये नया ये ऐड कर दिया टेस्ट कोड, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये सॉफ्टवेयर अभी हमारा इतना पॉपुलर हो गया है कि हर डॉक्टर की डिमांड्स आ रही थी, तो हमने इसको समझा। आप रिपोर्ट डेली की देखना चाहें, रिपोर्ट, पेंडिंग रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट सारी आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। डे बुक, कैश बुक, डेली का आपको कितना ट्रांजैक्शन हुआ, आपने कितना पैसा आया आपके पास, यहाँ से आप शेयर परसेंटेज, आपको 10% की लिस्ट निकालनी है हमारा कितना शेयर बना, तो ऑटोमेटिकली इसने वो आपका परसेंटेज भी निकाली। 120 रुपये के टेस्ट हुए उसमें 12 रुपये, यहाँ से डायरेक्ट एक्सेल पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको डाटा को। तो ये फीचर्स सारे हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर दिए हुए हैं, और दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर मार्केट में इस समय डिमांड है इसकी, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसको बहुत ही और अच्छा मैनेज करने की। आप लोग नए नए सजेशन हमको देते रहिए, इसमें हम लोग अमेंडमेंट करते रहेंगे, और हमारा प्रयत्न यही है कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं नए ERP के, नए टेक्नोलॉजी के, तो वो आपको सारी, देखो ये आपको ऑटोमेटिकली है पेशेंट की डिटेल आ गई, यूनिट आ गया, कॉस्ट आ गया, पेशेंट शेयर कितना मिला, तो पेशेंट का नाम भी आ जाएगा, OPD नंबर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसमें आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। क्योंकि कुछ ये कहते हैं IT में क्या है, आप सजेशन देंगे तभी हम लोग अपडेट करेंगे इसको, तो आपके नए नए सजेशन मिलते हैं, आपका प्यार मिलता है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम इसमें कुछ ना कुछ अपडेट करें, और आने वाला समय में आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत ही क्या बोलते हैं, हमारा ये 2012 से चल रहा है, और आपका जितना प्यार मिल रहा है उसके हिसाब से हमारी टीम लगी हुई है दिन रात, और इसमें कोशिश कर रही है कि आपको नए से नए फीचर्स दिए जाएं, नए से नई व्यवस्था दी जाए, और सारा आपको एंट्री ये टेस्ट, आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टेस्ट कोई काम का नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से, अपनी लैब के हिसाब से नया टेस्ट ऐड कर सकते हैं, ग्रुप ऐड कर सकते हैं, और ग्रुप बनाने टेस्ट ऐड करने के लिए मास्टर मेनू में आपके न्यू ग्रुप आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई करेक्शन है, गलती है तो उसको भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्मार्ट लैब नए लेटेस्ट फीचर्स के साथ हमने लॉन्च किया है, और आशा करते हैं कि आपको ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका डेमो ट्रायल फ्री है, आप यूज करो 2-4-6 दिन, अपना टेस्ट निकालिए, अपने पेशेंट को खुश रखिए। SMS सिस्टम भी हमने इसमें दिया हुआ है, अगर SMS अलर्ट लगाना चाहते हैं तो API आप मार्केट से किसी भी कंपनी से लेके आप API सिस्टम लगा सकते हैं सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों आपसे मेरी उम्मीद है
कि आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा लगेगा। पेशेंट को सारा कैलकुलेशन, फाइनेंशियल भी आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका ये सारा सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही अच्छा और एक इजीली मेंटेन कर सकते हैं आप। इसमें डेली की रिसीप्ट निकालनी है, किसी का जमा करना है पैसा, किसी को स्टाफ को पेमेंट देना है तो पेमेंट वाउचर, ये बैंकिंग सारा, आपने किसी को पेमेंट देना है तो आपने सिर्फ इंटर करना है और किसको देना है टेस्ट, तो इस तरह से यहाँ से सारे खाते खुल जाते हैं आपके कंप्लीट। यहाँ से आपका टेस्ट, ये हमने राइट मेनू पे एक शॉर्टकट की भी लिख दी है, आप किस तरह से आप शॉर्टकट की द्वारा इसको फास्टली चला सकते हैं। तो दोस्तों ये स्मार्ट लैब सॉफ्टवेयर आज इंडिया का नंबर वन सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है। तो बस आप भाइयों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे हमको, और बाकी आने वाले समय में हम इसमें अपडेट आपके अनुसार करते रहेंगे। और दोस्तों इसको एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखिए, और स्मार्ट लैब का मार्केट के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई वो नहीं है। और आप इसमें हमारी लैब कस्टमर, हमारे 10,000 लैब्स इंडिया के अंदर चल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आपका भाइयों का प्यार मिलेगा तो और भी सभी लोग इसको यूज करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।